फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जामुन से बनने वाले एक बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक हमारी, और इन्हीं जामुन से हम बनाएंगे 2 से 3 तरह से हमारे ड्रिंक्स और आइसक्रीम। जिसके लिए मैंने लिया 1 कप जामुन, इसको मैंने सीड्स निकाल के फ्रोजन किया हुआ है 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप इसको डीसीड करके अच्छे से धो के वॉश करके सुखा लीजिए, उसके बाद इसको डीसीड कर लीजिए, यानी कि इसके बीज निकाल लीजिए। बीज निकालने के बाद जो ऊपर का आपका लेयर बच जाता है हमारे जामुन का, उसको आप स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में या किसी जिपलॉक बैग में एक साथ फ्रोजन करके। तो आज हम इस अपने फ्रोजन जामुन से बना रहे हैं, बट सबसे पहले हम इससे बनाएंगे अपने जामुन शॉर्ट्स, देन इससे बनाएंगे हम अपने मोहितो, जामुन मोहितो। जिसके लिए मैंने 1 कप हमारे फ्रोजन जामुन, 10 से 12 हमारे मिंट लीव्स यानी पुदीना का पत्ता, 2 टीस्पून इसमें जा रहा है हमारा चाट मसाला, ये मेरी अपनी रेसिपी से बना हुआ चाट मसाला है, 2 टेबलस्पून इसमें जा रहा है हमारा लेमन जूस, 4 टेबलस्पून इसमें जा रही है हमारी शुगर, 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है हमारा काला नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है हमारा सफेद नमक, और थोड़े से हम यूज करेंगे आइस क्यूब। सबसे पहले हम अपने ग्लासेस को रेडी कर रहे हैं। हमने एक अपने नमक मिर्च का मिक्सचर तैयार किया हुआ है। सबसे पहले आप अपने शॉर्ट्स वाले ग्लासेस के रिम्स पे लगाएंगे हल्का सा नींबू और इनको डिप कर देंगे इसके अंदर। ये हमारा हो गया रेडी ग्लास, ऐसे आप बाकी के भी कर दीजिए। अब एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे अपने जामुन को, ये ग्लासेस को रखती हूँ मैं साइड में। मैं एक बार पहले जामुन डाल के क्रश कर रही हूँ अच्छे से। अब इसमें डाल रहे हैं हम अपने बाकी के जामुन भी, थोड़ी सी इसमें डाल रहे हैं आइस, हमारा पुदीना पत्ता, चाट मसाला, हमारा नमक, काला नमक, लेमन जूस और हमारा शुगर। इसको आपको आप एक फाइन प्योरी बना लेना है बिल्कुल। ये हमारी एक स्मूथ सी प्योरी बन गई, इसको हम डालेंगे अपने शॉर्ट्स वाले ग्लासेस में। जो आपको जामुन लेने हैं वो 1 से 2 घंटे फ्रीज किए हुए लेना है, ओवरनाइट नहीं। ये हमारे जामुन शॉर्ट्स रेडी है। ये हमने अपने जामुन शॉर्ट्स बनाए थे। अगर आप इसको एज ए शॉर्ट्स नहीं पीना चाहते तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसके आप बना सकते हैं फ्रूट पॉप्स, यानी कि इसको आप फ्रीज कर दीजिए और बच्चों को दीजिए, नेचुरल है, या आइस पॉप्स की जगह। अब हम इससे बना रहे हैं हमारे इसी शॉर्ट्स वाले मिक्सचर से अब हम बनाएंगे अपना मोहितो। नेक्स्ट जो हमारा हमने बनाया था शॉर्ट्स वाला बेटर, इससे ही हम बनाएंगे अपने जामुन मोहितो की रेसिपी। मोहितो बनाने के लिए हम यूज करेंगे हमारा सोडा, थोड़े से हमारे नींबू के वेजेस, थोड़े से पुदीना के पत्ते और हमारी आइस क्यूब्स। सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे थोड़े से हमारे पुदीना के पत्ते, 2 से 3 हमारे नींबू के वेजेस काट के, और इन्हें मडल कर लेंगे। मडल का मतलब उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास यह मडला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा बेलन होता है उसके पीछे का हिस्सा आप यूज कर सकते हैं अच्छे से वॉश करके। अब इसमें हम डालेंगे हमारी आइस क्यूब्स 2 चम्मच, यानी कि आपका अराउंड होता है ये 30-40 एमएल इसमें गया है हमारा हमारे जामुन का बैटर। और अब इसके अंदर पोर करेंगे हम हमारा सोडा और इसको कर लीजिए मिक्स, और ये आपका जामुन मोहितो रेडी है। बहुत ही इजी है, और जो ये बैटर है जो हमारा ये बच गया, इसको या तो आप फ्रिज में रख लीजिए 2 से 3 दिन, ये खराब नहीं होगा। जब भी आपको मोहितो वगैरह बनानी है आप इजीली बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए आइस पॉप्स की तरह, आपके जामुन पॉप्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपको जामुन मोहितो की रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।